That's right. Four. Out of ten, four. हमारे लिए तो यही आठ नौ था. इसको पुल कर ले. ये तो थोड़ा कम. हाँ, मसाला कूटने के लिए. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कारवा एनूर. अभी ये कारवा लंच के लिए निकलेगा और जैसे कि आप जानते हो कि पंजाब में काफ़ी सर्दियों का मौसम चल रहा है, धुंध का माहौल है. सो हमने सोचा अपने स्टाफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ कि थोड़ा सा बाहर चलते हैं और कुछ ऑथेंटिक खाते हैं पंजाबी डिश. सो मेरे साथ है अभी दो लोग, दो मेंबर, भूपेश एंड सेविन. सो जो मुझे कंपनी देंगे आज के सफ़र में, इस कारवा में. और कुछ लोग ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, जा चुके हैं. सो दे आर वेटिंग एट द रेस्टोरेंट. तो मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ ऐसी जगह जो कि काफ़ी फेमस है पंजाब के लिए और वहाँ पे पंजाबी कल्चर के साथ साथ आपको पंजाबी ऑथेंटिक डिश भी मिलती है. सो हेयर वी गो. सो दोस्तों, ये है वो जगह, आप देख पा रहे हो. ये रेस्टोरेंट काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है और अक्सर लोग यहाँ आते रहते हैं. और ये हमारे हॉस्पिटल से काफ़ी नज़दीक है, ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे. हमें आने में 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है. एंड आने के बाद यहाँ का आप एटमॉस्फेयर अगर देखोगे, डेकोरेशंस देखोगे, तो आपकी वैसे ही भूख बढ़ जाती है, आपको मज़ा आने लगता है. सो आप ये देख सकते हो बच्चों के खेलने के लिए इवनिंग को यहाँ पे शो भी होते हैं. सो आप अंदर बैठ सकते हो, बाहर बैठ सकते हो. तो ये कुछ बच्चों के खेलने के लिए है. तो वी आर इंसिस्टिंग कि सेविन सर कब इसका यूज़ करेंगे. स्ट्रांग बनना पड़ेगा. रियल. ओ बी केयरफुल. इसको पुल कर लो. ये तो थोड़ा बाहु भी नहीं आ रहा पड़ेगा. उसके लिए खाना खाना पड़ेगा. तो इसलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद खाने के बाद ट्राई करना है. तो प्री हो गया, अब पोस्ट देखेंगे कि पंजाबी डिश खाने के बाद आपको क्या है. ये रियल. और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कुछ सिविनियस लेने हैं, कुछ पंजाबी स्टफ लेने हैं, तो डेकोरेशंस के लिए वो यहाँ से ले सकते हो. यहीं पे एक मैरिज हॉल भी है जहाँ शादियों के लिए ये यूज़ किया जाता है. फन जोन है. इसके अलावा स्नैक्स वगैरह यहाँ पे टी कॉफ़ी के लिए, ये सामने वाला एरिया आप यूज़ कर सकते हो. आप देख सकते हो भाई साहब वहाँ से चाय लेके आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी बैठते हैं. इवनिंग में शाम को बैठना काफ़ी मज़ा आता है. तो अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर बैठ रहे हैं, बाहर इसलिए नहीं बैठ रहे क्योंकि आप देख सकते हो मौसम काफ़ी ठंड हो रही है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 9 से 10 डिग्री का है. सुबह में शायद 6 डिग्री था और रोड पे बहुत ही धुंध का माहौल है. काफ़ी खूबसूरत है. पहले कभी इसके ऊपर डांस होते थे गिद्दा, तो कुछ साइन लैंग्वेज नहीं, ये दोनों बातें कर रहे थे. डिस्कस किया क्या ऑर्डर करने के लिए? तो क्या डिसाइड किया? सरसों का साग, मक्की की रोटी, लस्सी, मटर. अरे वाह. तो सरसों का साग तो मैं भी खाना चाहूँगा. और इनफैक्ट मैं प्लान करके आया था, सोच के आया था कि एक इस सीजन का पहला तो खाना है. वैसे खा चुका हूँ घर वाला, अब रेस्टोरेंट वाला खा के देखता हूँ कि दोनों का टेस्ट कैसा है. प्लीज मत करना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. ये आप देखो कितनी खूबसूरत जगह है. सो ये काफ़ी प्यारा, काफ़ी अच्छा है. आप ट्रैक्टर का भी मज़े ले सकते हो. इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इस हवेली में घूमने के लिए आप शायद ट्रैक्टर भी यूज़ कर लो. अब ये देखिए फोटोशूट, इट इज़ मैंडेटरी, ये होना चाहिए. आप पुरानी जैसे कार्ट होती थी बैलगाड़ी वाली, वैस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया, बनाया गया है. और चारों तरफ भी ये अच्छा है, कुछ भी नहीं है. ये टिफ़िन बॉक्स पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे यूज़ होते थे, पीतल के प्लेट्स. और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया, डिज़ाइन किया गया. ये
शायद लस्सी के लिए होगा या सूप के लिए, और ग्लास से एक बार मैं भूपेश से पूछता हूँ, ही विल बी एबल टू टेल दैट। शायद मुझे वो चिराग मिल जाए अलादीन वाली, सो मैं भी अपने जीनी को निकाल दूँ। ये आप देखो, काफ़ी जो लोग नहीं जानते हैं, ये लस्सी वगैरह के लिए, लस्सी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ से बटर मिल्क या लस्सी को रोल करके रोटेट करके बनाया जाता है। और ये शायद आई डोंट नो, ये एक्सरसाइज वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जानना चाहूँगा भूपेश से ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लस्सी बनाने के लिए, ये लस्सी बनाने के लिए, और वो क्या है, वो भी लस्सी के लिए, और ये क्या है, वो रस्सी बांध के ऐसा। ओके ओके, रस रस हमने देखा है भाई मूवीज वगैरह में। और ये क्या है, एक्सरसाइज वाली है क्या या कुछ मुकद्दर लग रहा है या तो वो है ये हाँ मसाला कूटने के लिए। सो आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस। टेबल तक मुझे लिफ्ट दे दो। बट ये इसके इंजन है क्या, सब कुछ बहुत सालों से है। बट सो ये देखिए भूपेश, एक्चुअली ही नोज हाउ टू ड्राइव ट्रैक्टर। सब में एक ही फैक्ट्स ऑफ द डे, सो समथिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ट्रैक्टर। आई एम श्योर आप सबको पता है, पंजाब में हो तो ट्रैक्टर, खेत, फार्मिंग, ये सारे, और खाना, यहाँ की जो ऑथेंटिक डिशेस होती हैं, सरसों का साग, ये तो वर्ल्ड फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं, और हम भी आए हैं। और लकी है हम कि हमारे हॉस्पिटल के पास ही है, तो हर सीज़न तो हम यहाँ पे आते ही हैं। सो दिस इज़ व्हाट हवेली रेस्टोरेंट इज़। अब भूपेश, हवेली और भी जगह है ना, कहाँ पे? जलंधर, अमृतसर में भी है। सो दो, अमृतसर और जलंधर तो दो मैं जा चुका हूँ, एंड लुधियाना के भी, तो वहाँ के भी खाना अच्छा है। गिरना मत भाई, हमारे सर जा रहे हैं फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर राइड। चाबी नीचे रखी है यार, क्या तुम भाई कुछ बताएगा ट्रैक्टर में चाबी किधर लगती है? ये प्लीज साइड प्लीज। काफी अच्छी राइड है, और ऐसा लग रहा है कि आप किसी थार वगैरह पे बड़े इसमें बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो। तो बहुत दिनों बाद कभी गांव वगैरह में मैं ट्रैक्टर पे बैठा था, और ये प्रिविलेज यहाँ पे पंजाब में आके मुझे मिला, और मज़ा आ रहा है। सो थैंक यू फॉर दिस ट्रैक्टर राइड। खाना भी आ गया सर, खाना भी ऑर्डर हो गया जो हमारे लोगों ने ऑर्डर किया है। सो हेयर वी गो। ये देखो मेरे कारवां के दूसरे लोग ऑलरेडी ये शुरू हो चुके हैं, और इन्होंने बगैर बताए हुए हमें ये खाना स्टार्ट कर रखा है। बट कोई बात नहीं, श्रुति आप बताइए खाना कैसा लग रहा है? खाना बहुत अच्छा है। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ये आपने कौन सी रोटी ली है? ये मैंने मेसी रोटी ली है। मेसी रोटी है। ये सरसों का साग होगा, और ये मटर मशरूम जो कि पहले से ही डिसाइडेड था। टेस्ट वाइज ठीक है? इट्स अ वेरी गुड। आप बताओ सर कैसा लग रहा है ये आनियन? अब दो में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? साग है। हाँ हाँ, ये अलग फ्लेवर है, दोनों ही अच्छा है, अपनी अपनी जगह। ओके, और आपने रोटी अलग ली है। भूपेश को ज़्यादा अच्छे से पता होगा यहाँ के जो घर का जो सरसों का साग होता है, क्योंकि ये खाते रहते हैं। अब आज इनको मजबूरन हम होटल का रेस्टोरेंट का बना रहे हैं, और हम लोगों के लिए क्या है कि जो भी मिल जाए हमारे लिए यही ऑथेंटिक है, यही बेस्ट है। सर ने भी बहुत खाया है, तो इनको पता है कि टेस्ट कितना सही है कितना गलत है। हाउ विल यू रेट आउट ऑफ 10, कितना है बेस्ट एज कम्पेयर टू जो आपके ज़माने में जब पुराना मिलता था, जिसको आप बोलते थे कि पहले वाली वो पंजाब की बात अब नहीं रही, पंजाबी रेस्टोरेंट? 4 आउट ऑफ 10, 4 हमारे लिए तो यही 8-9 था। अभी 4 दिन पहले ही खाया है घर में बना के। ओके, घर में चेन्नई? वाओ, चेन्नई में भी सरसों का साग पहुंच चुका है। सरसों लेके गया मैं दिल्ली से। ओके, और मेरी माताजी ने बनाया सरसों दिल्ली से ले जाके, उनकी मॉम ने बनाया। सो अभी मम्मी की बात ही आ रही है। हाँ, मंगाई है। अच्छा, कुछ और नया आ रहा है। सो अब मैं देखो, सबकी प्लेट भरी पड़ी है और मेरी प्लेट खाली है। तो दोस्तों मैं अब स्टार्ट करूँगा अपना पेट पूजा। तो दोस्तों ये है
सरसों का साग मिस्सी रोटी के साथ, यूजली मक्के की रोटी के साथ होनी चाहिए, बट मैंने मिस्सी रोटी लिया, मेरी अपनी चॉइस, बट यह टेस्ट वाइज अच्छी है, बट और अच्छी हो सकती थी, थोड़ा सा इसमें कुछ तो मिसिंग है। और जैसे सर ने बताया गार्लिक जो का एक स्मोकी फ्लेवर होता है, एक टेस्ट होता है, वो मिसिंग है। मेरे लिए टेस्ट वाइज अच्छा है, ठीक है। घी और गुड़, देसी घी एंड गुड़, घी एंड गुड़, घी एंड गुड़, हाउ शी ईट्स अलग से खाना है कि साथ में खाना है, खाने के साथ बीच बीच में खा सकते हैं। वाह, रोटी बाजरे की रोटी भूत घी क्या घी गुड़, एक रेस्टोरेंट है ना, तो अगेन इसके अपने ही फायदे हैं, सर्दियों में लोग प्रिफर करते हैं गुड़ घी या घी गुड़। कैसा लग रहा है, गुड़ रियल वाले हैं, गुड रियली घी वैसा नहीं, गुड वेरी वेरी गुड, गुड इज़ गुड। सो यूजली आप दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ तो मैं गुड़ ले जाना नहीं भूलता हूँ, जो वो लास्ट में देते हैं एज अ स्वीट लास्ट में, तो वो अक्सर हम लोग पैक करके लेके जाते हैं और अच्छे क्वांटिटी में मैं लेके जाता हूँ। सो देव सर भी ट्राई कर रहे हैं और वन शुड ईट, विंटर्स में जो यहाँ के विंटर्स के जो फूड होते हैं वो टेस्ट करना चाहिए। सो दोस्तों हमने तो खाना खा लिया, बट खाना खाने के बाद वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द बिल चेक, बट 15-20 मिनट हो गए कोई नहीं आ रहा, तो फाइनली हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम चल रहे हैं, अब जिसको बिल देना हो वो आके हमें दें। चलो बाय बाय, सर इज गोइंग देव पे, और वो पंजाबी बोलेगा, देव को तो पंजाबी वैसे भी बहुत अच्छी समझ में आती है। नहीं वो अभी रास्ते में ना अमरूद लेना था, तो बोलता है कि भैया कितना अमरूद है। ये देखो भाई साहब लोग कुछ काम कर रहे हैं तो इनको डिस्टर्ब नहीं, चक्की आटा वाली। सो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लंच एट दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, और ये मेरे कुछ कलीग्स दोस्त साथी। सो अब वक्त आ गया है कि हम वापस जाएं और अपना काम करें, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा, काफ़ी अच्छा पल रहा, सर्दियों का मौसम ठंड, और उस ठंड में गर्मा गर्म खाना, सरसों का साग, मक्के की रोटी, मिस्सी रोटी, उसके साथ लस्सी, कार्ड नहीं चला। सो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और कैश फाइनली आई थिंक देव सर ने पे किया, और इसके पास ही हमारा जस्ट फ्यू मीटर्स अवे हमारा हॉस्पिटल है वेयर वी वर्क। ये रहा हवेली, अगर आपको कभी पंजाबी कुछ डिश फूड खाने का मन करे, दिल करे, और आप लुधियाना में हो तो आपके लिए एक ऑप्शन हवेली का खाना होना चाहिए। और आप देख सकते एक ग्रुप हमारा जा रहा है, बाय दोस्तों, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल बटन, थैंक यू दोस्तों, चलो वी विल मूव, बाय, टेक केयर।